Once again, good morning. लू 5-10 मिनट इस टॉपिक पे पक्का. देखो मैं एज अ स्टूडेंट लेता हूं फिर बात करते हैं. देखो जी कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं जो सुनने में मिलता है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, सर कंसंट्रेशन नहीं बनती. सर हम टायर्ड रहते हैं. सर मेमोरी कैसे इंक्रीज करें. ये कॉमन क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट के कि सर जब पढ़ने बैठते हैं तो उस टाइम पर फोकस नहीं हो पाते. मुझे ये बताओ ये सारी चीजें हमारी बॉडी से आएंगी या माइंड से आएंगी. माइंड से आएंगी. हाँ डेफिनेटली बॉडी थकी हुई है तो भी माइंड काम नहीं करेगा. बट कई बार हम कितने भी घंटे सो ले हैं, बॉडी को हमने पूरा रेस्ट दे दिया तो भी कंसंट्रेशन नहीं बनती. ऐसा होता है. अगर बॉडी थकी हुई है तो वैसे ही माइंड की कंसंट्रेशन नहीं बनेगी. बट अगर आपकी बॉडी फिट है और माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा तो उसका क्या रीजन होगा, क्यों नहीं वो उस टाइम पर फोकस कर पा रहा. कंसंट्रेशन का मतलब है माइंड जब प्रेजेंट में आ जाएगा. इसको बोलते हैं बी इन प्रेजेंट. हमारा जो माइंड है ना ह्यूमन माइंड वो प्रेजेंट में नहीं रह पाता. वो या तो बीते हुए कल में घूम रहा है या आने वाले कल में घूम रहा है. अब इस माइंड में सपोज ये एक ह्यूमन माइंड है, इस माइंड को ऑक्यूपाई किसने कर रखा है, किससे प्रेशर से है, ये क्या घुसा हुआ है हमारे माइंड में. बहुत सारे लोग जो कब्जा करके बैठे हैं. माइंड किसके बारे में सोचता है. जब हम खाली बैठे होते हैं तो अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम या तो अपने बारे में सोच रहे हैं या किसी और के बारे में सोच रहे हैं. बट ज्यादातर टाइम किसके बारे में जाता है, अपने बारे में या दूसरे के बारे में. अगर ये माइंड एक अकेला हमारे का है तो बट उसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं. तो हम जब सोचते हैं या हमारी जो थॉट्स चल रही हैं, जो थॉट्स चल रही हैं वो हमारी सेल्फ भी हैं और क्या हैं, अबाउट अदर्स. अगर अपने बारे में चल रही हैं तो मोस्टली कौन सी चल रही होती हैं. स्ट्रेस कब होता है, अनहैप्पी स्टेज में. तो जब ये थॉट्स चल रही होती हैं तो अपने बारे में चल रही हैं तो जब हम अच्छी स्टेज में हैं तो हम खुशी फील कर रहे हैं, जब अच्छी स्टेज में नहीं है तो हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं. अपने बारे में ज़्यादातर थॉट्स टेंशन की ही रहती हैं. हाय कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, या बीते हुए कल में चल रही हैं. तो जब आप पढ़ने बैठते हो तो उस टाइम माइंड में अगर पढ़ाई की तरफ दिमाग नहीं लग रहा तो कहाँ लग रहा है. माइंड बंद तो नहीं हुआ, वो कहाँ जा रहा है फिर, वो किसी और चीज को सोचने पे मजबूर कर रहा है आपको. अब उसको आपको किसी चीज को सोचने पे मजबूर कौन कर रहा है, आप खुद ही तो कर रहे हो ना. ये थॉट्स कहाँ से आ रही हैं आपके पास. और मोस्टली जो थॉट्स आती हैं वो दूसरों के बारे में भी कौन सी आ रही हैं. किसी की अच्छाई पर ज्यादा बात होती है या बुराई पर ज्यादा डिस्कशन होता है. दो फ्रेंड्स चार फ्रेंड्स मिलकर बैठे हैं तो किसी की फ्रेंड की अच्छाई पर कितने टाइम बात करते हैं और बुराई पर कितने टाइम बात करते होंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम किस पर जा रहा है, वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है. घर में बैठ जाओ सारे फैमिली मेंबर बैठे हैं, बातें क्या चल रही हैं. मम्मी पापा भाई बहन बैठे हैं तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्या चल रहा होगा. चाचा ने देख ये किया, चाची ने देख ये किया, ताऊ ने ये किया, ताई ने ये किया, दादा ने ये किया, नाना ने ये किया. यही चलता है कि नहीं चलता. पड़ोसी दूसरा टॉपिक क्या मिल जाता है. ये जो मैं कह रहा हूं ना ये सर्कल में कौन घुसे हुए हैं, रिलेटिव्स नेबर्स ये घुसे हुए हैं. अब पड़ोसी भी उनकी भी बातें कौन सी हो रही होती हैं. रिश्तेदारों की कोई अच्छाइयां हो रही होती हैं, पड़ोसियों की अच्छाइयां हो रही होती हैं.
दोस्तों की बातें हो रही होती हैं, अगर फ्रेंड्स बैठे हैं तो कौन होंगे, फ्रेंड्स बैठे हैं, ये सब जितने भी लोग हमारे को कैप्चर करके बैठे हैं ना, हमारा टाइम इन्हीं पर निकलता चला जा रहा है। और जब हम बैठते हैं तो इन्हीं के बारे में थॉट्स आती हैं। और हम क्या मानते हैं कि इन सब में सबसे समझदार प्राणी कौन है, हम, सबसे ईमानदार कौन है, हम, सबसे अच्छे कौन है, हम। घर में भी बात हो रही हो तो सारे रिश्तेदार बेकार हैं हमें छोड़ के, सारे पड़ोसी बेकार हैं हमें छोड़कर, सबसे ईमानदार प्राणी हम हैं, सबसे अच्छे हम हैं, हम तो सबका भला करते हैं, लोग ये हमारे साथ क्यों बुरा करते हैं। ये टॉपिक हर घर में कॉमन है। और जब हम कभी भी बैठते हैं तो माइंड डबल चलता है, जो आप काम कर रहे हो उस पर भी टिका हुआ है और जो आप काम नहीं कर रहे उस पर भी टिका हुआ है। और माइंड की पावर, तो उसको रिलेट करो कि कितनी बड़ी पावर है कि बॉडी से ज़्यादा काम कौन कर रहा है, माइंड काम कर रहा है। एक पर्सन कोमा में चला जाता है तो कोमा में बॉडी नहीं खराब हुई उसकी, खराब क्या हुआ है, माइंड, ब्रेन की एक्टिविटी डाउन हो गई। चंद्रयान का एग्जाम्पल लो, चंद्रयान यहाँ से भेजा गया इतनी दूर, इतने किलोमीटर्स, इतना डेढ़ महीना वो चल उसने ट्रेवल किया, और एक एक पल की खबर थी यहाँ पर, एक एक मिनट की खबर थी कि कहाँ पहुँचा, कब पहुँचेगा, कब लैंड करेगा। वो मुझे बताओ इंसान के दिमाग ने बनाया या बॉडी ने बनाया, स्ट्रक्चर बॉडी ने बनाया, मेहनत की, बट स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किसने बनाया, उसके अंदर प्रोग्रामिंग किसने की, इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग कर दी कि वो सारी चीज़ें फोटो खींच के हमें तक भेज रहे हैं जितने भी हमारे बाहर गए हुए हैं। ये बनाने वाले जो पर्सन थे, वो टीम देखी, क्या लग रहे थे फिल्म स्टारों की तरह। और हम किसको बेटर समझते हैं, हम किसकी तरफ भाग रहे हैं, बॉडी की तरफ या पर्सनालिटी की तरफ, माइंड की तरफ या पर्सनालिटी की तरफ। मोस्ट ऑफ द पीपल किस में लगे हुए हैं, सजाने में, बॉडी को सजाने में लगे हुए हैं। सारे हीरो हीरोइन बनने चाहते हैं, सारे वही बॉडी बनाना चाहते हैं, बट हम जिनको फॉलो कर रहे हैं ना, एक्चुअल में तो वो झूठ बोल कर ही तो कमा रहे हैं वो। आप जिनको फॉलो करते हो, जिनको आइकन मान लेते हैं हम स्टार्स को, बट क्या जो वो रियलिटी में है, ऐसा वो जो मूवीज में दिखाया जाता है, क्या ऐसा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और रियलिटी क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं, कितने प्लेयर्स हैं, क्या सबकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, बट प्लेयर्स तो अच्छे हैं, वो स्ट्रेंथ उनकी माइंड से है या बॉडी से है, माइंड से है ना। चंद्रयान बनाने वालों की टीम थी, तो उस टीम में जितने भी पर्सन थे, क्या उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपड़े पहने हुए थे, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी थी, या बॉडी बिल्डर्स थे वो, उन इतना बड़ा काम कर डाला जो ये अच्छे से अच्छे बॉडी वाले भी नहीं कर सकते वो काम। कैसे वो मिसाइल्स बन रही हैं, कैसे रॉकेट बन रहे हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं, वो इन्वेंशन किससे हो रही है, ह्यूमन माइंड से हो रही है या बॉडी से हो रही है। बॉडी का साथ चाहिए, बॉडी की फिटनेस चाहिए, बट अल्टीमेटली काम करने वाला कौन है, माइंड। और माइंड काम कैसे करेगा, माइंड एक्टिव कैसे होगा, स्ट्रेसलेस कैसे होगा, मेमोरी शार्प कैसे होगी, कंसंट्रेशन कैसे होगी। मैंने आपको ये बताया कि अगर माइंड एक सेकेंड, देखो हमारा ये अगर बॉडी है, हमारे हाथ पैर, इसमें कौन घुसे हुए हैं लोग, ये बहुत सारे लोगों के बारे में विचार लेकर बैठा है, थॉट्स। वो थॉट्स मैंने पीछे भी लिखा था, वो किसके हैं या किसके हैं, दो तरह के लोगों के थॉट्स। अब जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स मोस्टली डाउन वाले ज्यादा हैं। क्यों हैं, क्योंकि वी कंपेयर किससे, अदर्स।
हमें ये लगता है कि ये कुछ ज्यादा दिमाग लेकर बैठे हैं, बट यही हमारी प्रॉब्लम है। या तो हम इनको बहुत बुरा मान लेते हैं, या हम इतना अच्छा मान लेते हैं, हम सोचते हैं हम इनके जैसे हो ही नहीं सकते। दो के बीच में घूम रहे हैं, या तो ये बहुत बुरे हैं या बहुत अच्छे हैं, और हम कहीं भी नहीं हैं। और हम अपनी पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को छोड़ देते हैं दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में। हर इंसान का अपना नेचर है, हर इंसान का अपना टेम्परामेंट है, हर इंसान की अपनी इंटेलिजेंसी है, और दिमाग आप सब में है, कमी किसी में भी नहीं है। दिमाग उसमें नहीं है जो ABCD नहीं सीख सका और 1 2 3 नहीं सीख सका, तब माने कि उसका दिमाग वीक है। तो जब आपको अक्षर का ज्ञान है, अक्षर से वर्ड बना सकते हो, तो वर्ड से आगे और क्या नहीं कर सकते आप। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी वही साइंस पढ़ी है, और आपने भी वही साइंस पढ़ी होगी, या जिसने कॉमर्स पढ़ी है, मुकेश अंबानी ने कॉमर्स पढ़ी है तो आपने भी कॉमर्स ही पढ़ी है। तो MBA तो सारे कर रहे हैं, बिजनेस प्रैक्टिस तो सारे कर रहे हैं, बट सक्सेसफुल कौन हो पा रहा है कौन नहीं हो पा रहा, हम उसको अटैच कर देते हैं किस्मत से। बट एक्चुअल में ये हमारा थॉट प्रोसेस जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर सकते। और हमने इसमें कैप्चर किसको करा हुआ है, अदर लोगों को पकड़ा हुआ है। हम फॉलोअर बने हुए हैं, क्राउड फॉलोअर। अपनी आइडेंटिटी को तो हम पहचानना ही नहीं चाहते, और इसको बी इन प्रेजेंट लाना सबसे बड़ी आर्ट है। और थिंकिंग अबाउट अदर्स को कम करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान नहीं है, बट अगर आप इस पे काबू करना शुरू कर दोगे तो अपने आप माइंड की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। मुझे बताओ अगर इसमें थॉट्स ज्यादा हो रही हैं, ये थॉट्स ज्यादा हो रही हैं तो क्या इफेक्ट होगा? अगर मेरा ये कंप्यूटर है इसमें डाटा ज्यादा हो जाए तो क्या होने वाला है? डिस्क क्लीनिप चलाते हैं हम, एक्स्ट्रा फाइल्स डिलीट करते हैं, या इसमें वायरस आ जाए तो क्या होगा? गुड डाटा या बैड डाटा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटीवायरस, उन फाइल्स को डिलीट करेंगे, क्लीन करेंगे, कम करेंगे, ताकि हमारे इस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेटर हो पाए। अब ये सॉफ्टवेयर भी हमारा स्लो कब होता है? जब बैड डाटा आया या एक्सेस डाटा आया। तो हमारा माइंड भी तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है या नहीं, जो बिना कुछ किए भी कितना कुछ इमेजिन कर लेता है, कितना कुछ सोच लेता है, कितना कुछ ऑटो मोड पर स्टोर कर लेता है। बट अगर हमने स्टोर करते गए करते गए करते गए और उसमें बैड डाटा बढ़ता चला गया, बैड डाटा क्या है माइंड के लिए? हेट, एंगर, जीलस, फियर, ये चार चीजें क्या जा रही हैं हमारे माइंड में? वो बैड डाटा भरा पड़ा है। हेट है, जीलस है, फियर है, एंगर है, कॉम्प्लेक्स है, वो भर लिए हमने अपने माइंड में, जिससे क्या हो रहा है कि वो क्रिएटिव नहीं हो पा रहा। बैड डाटा इतना भर लिया कि हमने अपनी कैलिबर को, अपनी कैपेबिलिटीज को ही दबा दिया। किससे दबा दिया? अपने आप से नहीं, दूसरों से दबा दिया। दूसरों के बारे में सोच सोच के अपना टाइम किसको दे रहे हैं हम ज्यादा? दूसरों के बारे में। अगर आप आज क्लास में आए और घर से लड़कर आए, या किसी फ्रेंड से टेंशन है, तो क्लास में बैठे हो, देख रहे हो मेरी शक्ल, दिमाग कहाँ चल रहा है? मैं बोलूंगा समझ आया, हाँ हाँ आया, मुझे क्या पता समझ आया या नहीं आया, बट एक्चुअल में पता क्या था? शक्ल मेरी देख रहे हो, सोच उसको दे रहे हो, गालियां किसी और को दे रहे हो बैठे यहां पे, ऐसा होता है? तो अगर मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे माइंड में भी ऐसा चल रहा हो, तो मैं यहां गलतियां करूंगा या ठीक पढ़ा पाऊंगा? मैं अगर सेकंड थॉट साथ में लेके चल रहा हूं तो क्या मैं आपको ढंग से वो चीज एक्सप्लेन कर पाऊंगा? सेम ऐसे ही अगर आप ड्यूल थॉट प्रोसेस पे बैठे हो, मेरी भी सुन रहे हो और दूसरे के बारे में भी सोच रहे हो, तो क्या यहां कंसंट्रेशन बन पाएगी? क्या उस क्लास का फायदा ले पाओगे? ये है कंसंट्रेशन, कि एक टाइम पर एक चीज पर फोकस करना, दिस इज कंसंट्रेशन, कि मैं अपनी थॉट्स को कम करूं। बट अब आप जब क्लास में आए तो वो बैड डाटा लेकर आए, वो बैड डाटा था आपका, किसी से झगड़ा हुआ था, या आपकी किसी ने बेइज्जती की थी, या किसी घर वालों ने कुछ ताना मार दिया था। तीन ही टेंशन होती है स्टूडेंट की लाइफ में, पहला घर, घर वालों ने कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने बोल दिया, या फैमिली में किसी ने बोल दिया, दूसरे फ्रेंड, और तीसरा कौन आ गया? स्पेशल फ्रेंड। तीन तरह की कैटेगरी है आपकी। अब तीनों से आपको मूड स्विंग मिल रहा है, कभी अप कभी डाउन। अब अगर आप बाहर से डाउन आ रहे हो तो आप उसके बारे में क्या चल रहा है, सेल्फ थॉट, वो समझता क्या है, समझती क्या है, मैं ये जवाब दूंगा, मैं ये जोड़ लूंगा, बेइज्जती करते हैं, अपने आप सेल्फ थॉट चलती चली जा रही है,
वो बंदा वहीं का वहीं बैठा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहां उसके बारे में सोच सोच के खराब क्या कर रहे हो? जो क्लास में हो रहा है वो आपको उसको मिस करते जा रहे हो, वो रिटेन नहीं होगा। और वो जब रिटेन नहीं होगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा बाद में, कि जब आप पढ़ पे पढ़ने बैठोगे तो समझ नहीं आएगा। सेम क्लास की जगह आप घर पर गए, क्लास से किसी से लड़के गए या मूड खराब करके गए, घर पे बैठोगे पढ़ने तो क्या होगा? तो वही बातें बाद में दिमाग में चलेंगी। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में इस डाटा से बाहर आने का तरीका क्या है, बैड डाटा से? थोड़ा सा सर्कल स्क्वीज करो, अननेसेसरी पीपल निकालकर बाहर करो, क्योंकि आपकी ये 18 से 22 साल 23 साल 24 साल की जो उम्र है ना, ये करियर बिल्डिंग उम्र है आपकी। आपने 12th तक कुछ किया नहीं किया कोई नहीं देखेगा, आपने ग्रेजुएशन में कुछ किया नहीं किया कोई नहीं देखेगा, बट अगर ये आप डिग्री ले गए ना एक, तो सारी डिग्रियां पीछे हो जाएंगे। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब यही है ना, आपसे फिर एकेडमिक डिग्री नहीं पूछी जाएगी कि आप किस स्कूल में थे किस कॉलेज में थे। एक प्रोफेशनल डिग्री ही अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाती है, बट इस डिग्री को पाने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी को करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ने बैठते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं होती, मेमोरी नहीं रहती या बॉडी टायर्ड है, तो उसका कारण तो हमें इलाज किसको करना है, हमें करना है या कोई बाहर से करेगा? अब मेरे पास कौन सा डाटा ऐसा आ रहा है जो मेरे ब्रेन की फंक्शनिंग को डाउन कर देता है? तो डिस्क क्लीन अप तो मुझे खुद ही चलाना है ना, वो फाइल्स तो डिलीट मुझे खुद ही करनी है ना। तो वो फाइल डिलीट कैसे होंगी हेट और एंगर की, जिलस की? फॉरगिव फॉरगेट, दो चीजें हैं लाइफ में, भूल जाओ जिसने बोला था। बोलने वाले की अपनी पर्सनैलिटी है, उसको दिमाग में लेकर बैठने की कोई लॉजिक नहीं है। जितना ज्यादा सोचोगे, बोलने वाला तो बुरा बोल के चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको उसके लिए फॉरगिव फॉरगेट पर आना पड़ेगा। अगर एक पर्सन आपके साथ कुछ बैड बिहेव करता है तो फर्स्ट रीजन, ताली दो हाथ से बजती है एक से नहीं बजती, या तो उसमें आपकी भी गलती थी तभी उसने आपके साथ गलत रिएक्ट किया, या आपकी गलती नहीं थी बट उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। बट दोनों ही चीजों में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी गलती ही तो सुधार सकते हो ना। पहले केस में अगर आपकी गलती थी उसके कारण झगड़ा हुआ है तो आप उसको करेक्ट करो, दूसरे केस में आपकी गलती नहीं थी, सामने वाला गलत रिएक्ट करता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो उससे डिटैच हो ना, बजाय अटैच होने के आप साइड हो जाओ। क्यों आप उसके साथ अटैच्ड हो? ताकि आपका गोल मिशन पूरा तभी हो पाएगा। मैंने आपको एक पानी का एग्जाम्पल दिया था, पानी जब तक बह रहा है तो साफ है, रुक गया तो क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाता है, खराब हो जाता है। हमारी लाइफ भी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर हमने किसी के बारे में सोचकर अपनी लाइफ को रोक दिया तो हमारी लाइफ सड़नी शुरू हो जाएगी। लोग आएंगे जाएंगे, आपकी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। हम लोगों में अटैच्ड हैं, लोगों में फंसे हुए हैं, उसी से हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही। आपके लिए आपका घर है, घर में भी आपके हिसाब से सब नहीं चलेंगे। मुझे बताओ, क्या आप अपने हिसाब से चलते हो तो लोगों को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके हिसाब से चलें? क्या आप पेरेंट्स की सारी बातें मानते हो, फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी हमारी माने? क्या आप अपने छोटे या बड़े भाई बहन की सारी बात मानते हो, फॉलो करते हो? सारी पॉसिबल ही नहीं है फॉलो करनी, तो क्या वो करेंगे आपकी बात फॉलो? हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, सब हमारे हिसाब से चले। और होता क्या है, देखो इस दुनिया में जब सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, और जब सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो क्या होता है? एक सेकंड, देखो व्हाट इज स्ट्रेस। अब एक बड़ा कॉमन वर्ड है कि सर स्ट्रेस बहुत है, ये ना बड़ा एक मॉडर्न वर्ड हो गया और इसको बड़ा अच्छा समझा जाने लग गया है कि जिसके पास स्ट्रेस नहीं है वो तो खाली है, ऐसा भी समझे जाने लग गया यार बड़ा स्ट्रेस है आजकल। तो ये भी एक डिग्री है, एक अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ स्ट्रेस है मेरे पास। मुझे बताओ व्हाट इज स्ट्रेस, ये क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की स्टेट है। अब एक स्टेट ऑफ माइंड एक तो है ये और एक है ये,
ये कब हो रही है? जब सब कुछ ऑल इज वेल, जो सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है तो क्या है, वी आर हैप्पी। अब सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है तो कर कौन रहे हैं? अदर्स, ये बैठे हैं ना हमारे को करने के लिए। अब जब सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या आ जाएगी? बड़ी स्माइल आ जाएगी, वी आर हैप्पी। क्या स्ट्रेस होगा इस टाइम पर? तो यहां पर कोई स्ट्रेस नहीं है। अब बात आई ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस किससे मिल रहा है? मुझे अपने आप से मिल रहा है या दूसरों से मिल रहा है? मेरा मूड स्विंग या बैड माइंड का बैड मूड कब होता है मेरा? जब सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है तब होगा, या जब सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तब होगा? मेरे हिसाब से कौन नहीं कर रहा? दूसरे लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे। वो ठीक चलते हैं तो आई बिकम हैप्पी, जब वो ठीक नहीं चलते तो आई बिकम स्ट्रेसफुल, अनहैप्पी, सैड। मींस मेरा ट्रिगर किसके पास है? मेरी तो अपनी औकात ही नहीं है कोई। मेरे को जब कोई खुश करे मैं खुश हो जाता हूं, जब कोई दुखी करे मैं दुखी हो जाता हूं। तो आई एम ए पपेट। कैसे कहता हूं मैं मर्द का बच्चा हूं और इंसान हूं? हम स्ट्रांग पर्सन है तो क्या ये स्ट्रांग है कि अगर हमारे मूड पे कोई कब्जा करके बैठा है तो आर वी स्ट्रांग पर्सन? किसी के मिलने से मैं खुश होऊंगा, किसी के बिछड़ने से दुखी होऊंगा, तो फिर मेरी औकात और आइडेंटिटी क्या है? कोई दूर चला गया तो मैं दुखी, कोई नजदीक आ गया तो मैं खुश? तो मतलब मेरी अपनी पर्सनैलिटी क्या है? मेरी खुशी और गमी मेरे हाथ में नहीं है, वो मैंने किसके हाथ में लगाम दे रखी है? लोगों के हाथ। तुम चलाओ, तुम मुझे खुश करते रहना, जब खुश करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब तुम खुश नहीं करोगे तो मैं दुखी होकर बैठ जाऊंगा। तो मैंने तो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रखी है। दूसरा, अपने हिसाब से तो हम कितना चलते हैं ये हम सब जानते हैं। रात को रोज सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, तो पहला प्रॉमिस तो वहीं ब्रेक करते हैं सुबह सुबह। रोज सोचते हैं कि रोज क्लास में जाएंगे, वो प्रॉमिस ब्रेक होता है। रोज सोचते हैं कि ये गलत नहीं खाना जिससे हमारी तबीयत खराब होगी, फिर खा लेते हैं हम। रोज सोचते हैं झूठ बोलना गलत है, फिर बोल देते हैं। तो अपने हिसाब से कौन सा चल रहे हैं हम? तो दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से चले। ये है स्ट्रेस का कारण। और इसी से क्या पैदा हो रहा है? बीपी और टेंशन। व्हाट इज टेंशन? टेंशन बीते हुए कल की या आने वाले कल की? वो स्ट्रेस पैदा कर रहा है, उससे क्या आ रही हैं बीमारियां? यही आपका मेमोरी लॉस है, यही आपकी कंसंट्रेशन खराब करता है, यही गड़बड़ करता है। और हम इसको संभालने में नहीं है, हम बॉडी को संभालने में लगे हुए हैं। हम शरीर को ताकतवर बना रहे हैं, विटामिन खिला रहे हैं, बॉडी को तेज कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं, बट हम माइंड के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। माइंड को क्लीन करने का एक ही इलाज है, मेडिटेशन, नथिंग एल्स। वॉक, योगा, रिलैक्स, गुड म्यूजिक, क्या हम ये करते हैं जिससे माइंड रिलैक्स हो? हम वीडियो गेम भी खेल रहे हैं तो उसमें भी कितने गंदे गंदे म्यूजिक होते हैं, मार धाड़ वाले, वो बॉडी को कितना एक्साइट कर देते हैं। आप एक सीरियल रोने धोने वाला देख रहे हो, मूड स्विंग होता है या नहीं? एक फाइट वाली पिक्चर देख रहे हो तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, तो सोचो क्या वो वीडियो गेम आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहे? आपके नेचर को एग्रेसिव नहीं बना रहे? आपके माइंड और बॉडी को नहीं थका रहे? आप बैठे बैठे वीडियो गेम खेल रहे हो, आपकी बॉडी नहीं थक रही, माइंड थक रहा है। आप सारा दिन चैट्स पे लगे हुए हो, व्हाट्सएप पे लगे हुए हो, तो आप फिजिकली तो थक नहीं रहे, माइंड से और आंखों से थक रहे हो, और जब पढ़ने बैठते हो तो सुस्ती आती है, या जिन लोगों से बात कर रहे थे वो वाली बातें सामने आ जाती हैं, थॉट्स सामने आनी शुरू हो जाती हैं, और जब खाली बैठोगे तो थॉट्स और ज्यादा आएंगी ही आएंगी। तो ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्राउड फॉलोअर नहीं बनना, अपनी डिपेंडेंसी लोगों पर नहीं बनानी, अपनी पर्सनैलिटी खुद क्रिएट करनी है। मैं अपने हिसाब से चलूं रेदर देन फॉलोइंग अदर्स, क्योंकि मेरे घर के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, मेरी बॉडी अलग है, मेरी नेचर अलग है, मेरी इंटेलेक्ट अलग है, तो मैं उसके हिसाब से चलूं रेदर देन कॉपिंग अदर्स। तो जब तक मैं अपनी क्रिएटिविटी को नहीं निकालूंगा तब तक मैं दूसरों के नीचे दबा रहूंगा, और जब तक मैं दूसरों के नीचे दबाऊंगा तो आई एम स्लेव। अगर मैं बार बार किसी के बारे में सोचता हूं तो मैं गुलाम हूं कि नहीं, उसका गुलामी है कि नहीं? हम कैसे कहते कि हम आजाद हैं? हम आजाद नहीं है। मैंने 15 अगस्त पे भी यही डाला था, आजादी किस चीज से चाहिए? अब
अपने आप से, अपनी बैड हैबिट से, अपनी कंट्रोलिंग से। अब चंद्रयान की भी बात हम जैसे क्लास में कर रहे थे, तो जो भेजने वाले इसरो के हेड थे, क्या वो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर नजर आ रहे हैं? कोई कोई शाहरुख खान सलमान खान की तरह नजर आ रहे हैं? जो काम उन लोगों ने किया, उस टीम ने किया, क्या ये कर सकते हैं जितने बैठे हैं स्मार्ट लोग जिनको देखकर हम पागल होते हैं? जिंदगियां डॉक्टर बचा रहे हैं, साइंस बचा रही है, क्या ये लोग अपने इन्हीं कामों में लगे हुए हैं? इन्होंने अपना काम सारा माइंड से किया। यहां से बैठे बैठे वो रॉकेट छोड़ रहे हैं, यहां से बैठे बैठे चंद्रयान जैसे वहां पर लैंड कर रहे हैं एग्जैक्ट टाइमिंग पर। ये ह्यूमन माइंड की ताकत है, और ये ह्यूमन माइंड सब में है, हर धर्म में है, हर समाज में है, हर इंसान में दिमाग सेम है, सोचने की शक्ति सेम है, किसी में भगवान ने अलग अलग नहीं डाली। भगवान हमें नहीं पैदा कर रहा धर्मों में या समाज में या गरीब और अमीरों में, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा लाइफ में बनना चाहते हैं। माइंड एक हार्ड ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह आता है यहां पर, हमारा माइंड ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक खाली हार्ड डिस्क है। उसकी प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उसका समाज। जैसा भर दिया गया वो वैसा काम करना शुरू कर देगा। मुझे बताओ कि एक इंसान किसी नॉर्थ इंडियन के यहां बच्चा पैदा हुआ, एक बेबी हुआ नॉर्थ इंडियन के यहां, और वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके घर में हिंदी चल रही है तो अपने आप क्या सीख जाएगा? एक बच्चे को पहले लिखना सिखाते हो या वो बोलना सीखता है? वो वर्ड कैच करके बोलना शुरू कर देता है, लिखना तो वो 3-4 साल के बाद जाके शुरू करता है वर्ड बनाने, बट उससे पहले वो वर्ड बोलने शुरू कर देता है। कैसे बोल रहा है वो वर्ड? माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है उसके। एक बच्चा जब छोटा होता है वो करंट में भी उंगली दे देता है, गर्म पानी में भी हाथ डाल देगा, बेड से भी गिर जाता है, मतलब हार्ड डिस्क ब्लैंक है। क्या अच्छा क्या बुरा वो कौन सिखाता है उसको? माँ बाप सिखाते हैं या वो अपने एक्सपीरियंस से लेता है कि बेटा अगली बार कूदूंगा तो गिरूंगा, चोट लगेगा, तो अगली बार वो नहीं कूदता फिर वहां से। बच्चा भी समझ जाता है, आप देखते हो ना, एक बार करंट में हाथ दे दिया वो दोबारा नहीं देगा, उसको पता है यहां गड़बड़ है, तो वो फियरलेस होता है। फियर अच्छा बुरा वो कौन डाल रहा है? उसके पेरेंट्स डाल रहे हैं या समाज डाल रहा है? अब मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, महीने डेढ़ महीने बाद उसको किसी साउथ इंडिया या किसी ऐसी जगह भेज दो जहां हिंदी बिल्कुल नहीं चलती। पैदा हुआ वो हिंदी बोलने वाली माँ के पेट से, और पालने के लिए उसको एक साउथ इंडियन फैमिली में दे दो, वो लैंग्वेज क्या सीखेगा? तो ये तो फिर किसने प्रोग्रामिंग की? जो हमारे आसपास था हमने वही सीखा। कोई भगवान नहीं आया, कोई कुदरत नहीं आई, कोई रिलीजन नहीं आया। अगर वो बच्चा हिंदू के यहां पैदा हुआ था, वहां क्रिश्चियन या मुस्लिम के यहां चला गया, तो वो वर्ड बोलने कौन से शुरू करेगा? उसी धर्म के। मुस्लिम का हिंदू को दे दो तो वो हिंदू वाला बिहेव करेगा, फिर वो वर्ड नहीं निकालेगा जो जिस हमारे धर्मों में यूज हो रहे हैं। वो फिर जय श्री राम नहीं बोलेगा, वो अल्लाह अकबर नहीं बोलेगा, वो वर्ड वही सीखेगा जो वहां पर चल रहा है। तो हम क्यों इन चीजों में भटके हुए हैं कि हमारी लाइफ कोई लिख रहा है या हमारी लाइफ कोई चला रहा है या हमारे माइंड की कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है? माइंड की प्रोग्रामिंग हमारी फैमिली, हमारे समाज और हमने खुद की है। अब हमें बचपन से जो मिला हम उसी का प्रोडक्ट है। हमारे अपने आसपास के हालातों से जो हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई उसी के हम हालात हैं। अब आगे क्या करेंगे हम उससे? अब जो हो चुका है क्या उसको लेकर बैठे रहें या कुछ उसको ठीक करने की कोशिश करें? कोशिश की जाए। तो जब हमें पता है तो हम क्यों अंधविश्वासों में फंसे हैं और फालतू में अपनी कैपेबिलिटी को गिरा रखा है? हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमें ट्यून किस चीज को करना है? अपने माइंड को। और माइंड एक्टिव तब होगा जब हल्का होगा, जब भारी होगा तो वो एक्टिव नहीं होगा। भारी किससे हो रहा है? रॉन्ग डाटा से। रॉन्ग डाटा क्या है? हेट, एंगर, जीलस, फियर। इसको निकालोगे ये अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। मुझे बताओ जब कभी गुस्सा आता है तो कितनी देर तक बॉडी में उसका असर रहता है? रहता है कि नहीं रहता? वो गुस्से से एकदम से हंसा जा सकता है क्या? मतलब गुस्से की स्टेज से नॉर्मल होने में टाइम
और हंसते हंसते तुम्हें कोई गाली दे दे तो एक मिनट में गुस्सा आ जाएगा, होता है? अच्छे भले मूड में बैठे थे, कुछ गलत हो जाए तो एकदम गुस्सा आ जाएगा। मतलब अच्छे मूड से खराब मूड में आने में टाइम, बट खराब से अच्छे में आने में, तो ऐसे काम क्यों कर रहे हो जिसमें टाइम बर्बाद हो जाए? उस चीज से तो बचे ना हम। अब गुस्सा कौन दिलाता है, मैं अपने आप को दिलाता हूं या कोई दिलाता है? जब मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा तो गुस्सा आएगा ना, तो फिर मैं क्यों लोगों से एक्सपेक्ट करूं कि मेरे हिसाब से होगा? जब मैं एक्सपेक्ट छोड़ दूंगा तो क्या होगा? अपने आप गुस्सा कम होगा, ब्रेन की एक्टिविटी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये चंद्रयान के टॉपिक से जो ये बात शुरू हुई थी, उस बात का क्रक्स यह है कि कोई भी बड़ी इन्वेंशन माइंड से हुई है, सिर्फ बॉडी से। आप जितने मर्जी जिम चले जाओ, जितने मर्जी अच्छे स्टार बन जाओ, जितनी मर्जी ग्लैमरस बॉडी बना लो, कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअल में काम किसने करना है? माइंड। और ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, बट माइंड से वो इतना कुछ कर गए जिससे सारे लोगों का भला हो रहा है, और वो काम माइंड से हो रहा है ना कि ब्रेन से। कभी इस टॉपिक पे आराम से 2-3 घंटे का टॉपिक दूंगा तुम्हें, मेरे पास बहुत कुछ है इस मैटर पर। अभी के लिए इतना करो, चलते हैं इसका।